हेलो दोस्तों, आप सबका न्यू गवर्नमेंट जॉब चैनल में स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम देखने वाले, अगर आपको 25, 30 या 35 मार्क्स है तो क्या आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा या नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, तभी आपको पूरा वीडियो समझ आएगा। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके अगर मार्क्स बढ़ते हैं तो क्या आपको सिलेक्शन प्रोसेस में लिया जाएगा या नहीं, ये भी हम देखने वाले हैं। और साथ ही 50 मार्क्स वालों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा या नहीं, ये भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, तभी आपको पूरा वीडियो समझ आएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्या अगर आपको 35 मार्क्स हैं तो क्या आपको सिलेक्शन प्रोसेस में लिया जाएगा, मतलब फिजिकल के लिए आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। देखिए, अभी किसी कैंडिडेट को 15 मार्क्स है तो किसी को 20, किसी को 25 या किसी को 30 मार्क्स है, तो उन सभी के लिए इस वीडियो में उनका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए, बहुत से वीडियो देख रहे होंगे आप कि 25 मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा या 30 मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन देखिए ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर आपको 35 मार्क्स है तो अगर आपका नॉर्मलाइजेशन भी हो गया तो बड़े तो आपके 40 हो गए या 45 मार्क्स हो गए, लेकिन एक बात आप भूल रहे हैं कि देखिए, अगर आपके अगर 35 मार्क्स है और आपके अगर 15 मार्क्स भी बढ़ गए और ये 50 हो गए, तो देखिए जो दूसरे कैंडिडेट हैं उनको अगर 55 मार्क्स है तो उनके भी तो 15 मार्क्स बढ़ जाएंगे, फिर उनके जो 70 हो जाएंगे, फिर क्या आप उनसे अब भी उतना ही दूर रहेंगे जितना कि पहले थे। तो एक बात समझ लीजिए कि अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो वो आपके लिए नहीं, सबके लिए कंपलसरी रहेगा और सबका नॉर्मलाइजेशन होगा। ऐसा नहीं कि आपका कर दिया और दूसरे का नहीं किया, नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो सबके लिए होगा। तो देखिए, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आपको अगर 25 मार्क्स है और आपका नॉर्मलाइजेशन हो गया, आपके 10 बढ़ गए और 35 हो गए या अगर 40 हो गए, तो क्या आपको सिलेक्शन के लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल के लिए आपको सिलेक्ट किया जाएगा? तो नहीं। देखिए, आपको नहीं बुलाया जाएगा, एक कड़वी सच्चाई है। अभी इस बात पे कुछ कैंडिडेट कमेंट करेंगे या कोई डिसलाइक कर देगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप एक वीडियो को डिसलाइक करेंगे, इसमें आपकी जो हकीकत है वो तो बदलने वाली नहीं है। देखिए, अभी आपको बातें सुनने वक्त बोरिंग लग रही होगी या बुरी लग रही होगी, लेकिन देखिए यही सच्चाई है। और जो बाकी अदर्स वीडियो में आप देखते हैं कि 35 मार्क्स पे आपका सिलेक्शन या 30 मार्क्स पे आपका सिलेक्शन, तो वो बस ऐसे ही बना रहे हैं और आपको पागल बनाते रहेंगे, तो उनके वीडियो में ना पड़े। देखिए, अगर आपको 25, 10 या 15 या 30 मार्क्स अगर आ रहे हैं तो कोई भी चांस नहीं है कि आपका फिजिकल के लिए सिलेक्शन होगा। तो आपके लिए यही अच्छा रहेगा कि आप अपना जो है वो दूसरी जो एग्ज़ाम है उनके जो प्रिपरेशन में अपना समय लगाएं और उनका अच्छे से अच्छे देखिए एग्ज़ाम दें और उसके एग्ज़ाम की तैयारी करें, ना कि ऐसे वीडियो के चक्कर में पड़े कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा या कुछ। देखिए, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से अगर आपके मार्क्स बढ़ भी गए तो अदर कैंडिडेट है आपके कंपटीशन में, उनके भी मार्क्स बढ़ेंगे, तो ऐसा मत सोचिए। और देखिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए, अगर आपको 50 मार्क्स है तो क्या आपका सिलेक्शन होगा फिजिकल के लिए या नहीं, ये बहुत से कैंडिडेट के मन में सवाल चल रहा है कि हमको सर 50 है या 75 है या 65 है, क्या हमारा सिलेक्शन होगा? तो देखिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर से होगा, क्योंकि देखिए अभी आपको जो अगर पूरे टोटल मार्क्स 50 आ रहे हैं तो देखिए नॉर्मलाइजेशन से आपके 55 या 65 मार्क्स हो जाएंगे, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप फिजिकल की तैयारी के लिए लग जाए
वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए और नॉर्मलाइजेशन का एक बहुत सा वीडियो अभी नॉर्मल वीडियो चल रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में ऐसा होगा ऐसा होगा। देखिए नॉर्मलाइजेशन में कुछ नहीं होता, नॉर्मलाइजेशन में सिर्फ आपके मार्क्स बढ़ेंगे और वो आपके भी बढ़ेंगे और अदर कैंडिडेट के भी बढ़ेंगे, मतलब नॉर्मलाइजेशन सबके लिए रहेगा। तो देखिए अगर आपको 10 15 20 या 25 30 35 अगर मार्क्स आ रहे हैं, अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो ऐसा मत सोचिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। होगा तो नहीं, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि आपका नहीं होगा। ऐसा सोच के चलिए कि हमें ये एग्ज़ाम दिया ही नहीं और अभी दूसरे जो एग्ज़ाम है उनके प्रिपरेशन में लग जाए। तो देखिए अगर आपको 50 मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन 100% फिजिकल के लिए होगा और ऐसे बाकी के अदर वीडियो में ना पड़े जो आपको बहलाते फुसलाते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए आपका सिलेक्शन नहीं होगा अगर आपको 35 से नीचे अगर मार्क्स है, अगर 35 से नीचे मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा और जो 50 वाले उनका सिलेक्शन होगा। और देखिए एक बात जो वेटिंग लिस्ट की है, वेटिंग लिस्ट में अगर उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ले भी लिए तो 30,000 से ज़्यादा वो वैकेंसी रिजर्व नहीं रख सकते। तो देखिए 30,000 कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में रहेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।